हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड आज हम जा रहे हैं दिल्ली ओखला कुछ काम से। तो रिसेंटली हमने एक ट्रिप मारी थी भाई अपनी सेल्टॉस से वृंदावन की तरफ, तो उसमें एक माइनर स्क्रैच आ गया, तो उसको हमने दिया था ठीक करवाने के लिए ओखला के जयंती मोटर्स में। अब वहाँ पे हमें एस्टिमेट आया कुछ 21,000 का, जो हमें थोड़ा सही लगा क्योंकि एक पैनल था और उस हिसाब से उसका एस्टिमेशन कुछ 11,000 होना चाहिए था। और उसने हमने पूछा भी था कि क्वार्टर पैनल पीछे का एक पार्ट था कि वो भी पेंट करना है कि नहीं करना, बट हमने उसको मना करा था कि वो बिल्कुल क्लीन था फोटोज़ में। तो अब फिर भी 21,000 की कोट आ चुकी है और मेरे ख्याल से उन्होंने शायद काम कर दिया है नहीं कर दिया है पता नहीं चल रहा। एंड कोई अभी वहाँ से फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो हमें खुद जाना पड़ रहा है इस ग्रेटर नोएडा से, तो काफ़ी हेक्टिक तो हो ही जाता है। बट अब देखते आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या चीज़ हुई हमारी सेल्टॉस में, आपको सेल्टॉस भी दिखाएंगे कौन सा वेरियंट लिया हमने। एंड बने रही हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम निकल चुके हैं जयंती किया, वहाँ पे हमारी सेट हाउस जा रखी है 2 दिन से, तो 2 दिन हो गए गाड़ी को वहाँ पे। और गाड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ स्क्रैचेस आए थे पता नहीं पार्किंग में कहाँ लग गई वृंदावन में, तो वो था। और कुछ गाड़ी में शुरू से ही कुछ डिफेक्ट्स, मतलब अलाइनमेंट आउट था गाड़ी का फ्रॉम डे वन, तो काफ़ी टाइम से मुझे शोरूम से कॉल आ रहा था कि गाड़ी दे दो, तो आज हम आने का चलो उसका। यहाँ पर जैसे इशू इतना थे कि अगर हम बताने बैठे तो एक ब्लॉग बन सकता है भाई पूरा, उसमें कैसे इशू आया भाई नई गाड़ी में बताओ, 2024 सेल्टॉस में बताओ। कुछ मतलब थी, कुछ नॉइजेस थी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में, चाबियों में थी, इवन अभी कुछ दिनों पहले सस्पेंशन से भी आवाज़ आ रही थी जबकि गाड़ी बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सब लिखवाया है और 2 दिन के लिए गाड़ी वहाँ गई थी, बाकी देखो क्या करा उन्होंने काम। मेरे फ़ोन में जो मैसेज आया था वो अभी लास्ट उनका 19,000-20,000 रुपये का एस्टिमेट है इंश्योरेंस क्लेम का, इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब डाउट में हूँ कि इतना बिल कैसे आ सकता है जबकि स्क्रैचेस बहुत, जब गाड़ी की वहाँ एंट्री हुई थी इनफैक्ट मतलब इतना कुछ था नहीं, हार्डली 5-10,000 रुपये का बिल होना चाहिए था। तो देखो क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता, वहाँ जाते हैं और देखते हैं। बाकी अभी हम ये नोएडा M&T की तरफ हैं, ऑलरेडी ट्रैफिक काफ़ी बढ़ चुका है, मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है, शेडी है, अब पता नहीं कैसे लाइट्स चल रही जबकि अभी सुबह का टाइम है। तो देखो आज बारिश आती है नहीं आती है, 2-3 दिन पहले काफ़ी डस्ट वाली आंधी आई थी, तूफान, वो ग्लोबल स्टॉर्म आया था, पूरे मतलब धरती पे एक स्टॉर्म आया था, सोलर स्टॉर्म जो कह रहे थे लोग, जो मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी भाई, जिस वजह से नॉर्दर्न लाइट्स भाई मतलब एबर्टसफोर्ड वाले शहर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर भी आ गई थी शिफ्ट हो गई थी। ईवी कार्स क्या कहना आपके इनके बारे में, अगलीस पीस ऑफ शिट, यहाँ पे डैम लगा दिया और रोक दिया पूरा यमुना को, यमुना का बिल्कुल अगर व्यू आ रहा होगा थोड़ा बहुत, सफाई कर रही है फिर पता नहीं क्या, देखो लेवल कितना ज्यादा राइट में, लेवल सबके मिलेंगे, लेवल निकलेंगे पर कुछ दिख रहा जो खड़ा रहेगा पर कोई नहीं, चलो भाई ये देख जिला परिषद गलियां ही गलियां और मुस्लिम से मुस्लिम, और हमें ये भी नहीं पता कितने इलीगल मुस्लिम है भाई इसके अंदर, भाई होंगे बहुत होंगे, स्लीपर सेल्स भी होंगे खड़े एक हाथ, चलो कूड़ेदान का डंपर जा रहा है एक, और आप देख सकते हैं हमने अपनी गाड़ी पे सरकारी हॉर्न लगा रखा है जो कामयाब है इंडियन सड़कों के लिए और बिल्कुल लीगल है, कट मार निकल ले ले कट मारते हुए निकल करिया ये भाई बहुत ही जरी का काम कर रहा है निकलने इस बार, हाँ भाई लाइट है वो देख लाइट पूरा भाई 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 निकल, अरे भाई 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 ये नहीं देख रहा कुछ भी, और इसके भाई इसके टायर की प्रोफाइल से कितने बाहर निकले हुए, अरे भाई चीता ही कह दे
ओखला में आपका स्वागत है गाइस। मिलते हैं सीधा आपको जयंती में हम ओखला की गलियों में, एंड शायद नेक्स्ट लेफ्ट लेते ही हम किया जयंती पहुंचेंगे। मौसम देखो भाई, चेक करो गाइस, वेदर चेक किया आने वाले अब देखो यार। भाई कीप डिस्टेंस गाइस, कीप डिस्टेंस, बट दिल्ली में ये अलाउड नहीं होता कीप डिस्टेंस। चिपका के रखो अपनी गाड़ी ट्रैफिक से, बम्पर टू बम्पर। क्रेटा जा रही है एक साइड से। ओ 6007 नंबर देखो भाई अब ट्रक का, इतना ट्रैफिक। आज हम लकी है कि अनलकी है? लकी है भाई, लकी है, लकी है ना भाई। वो है वो क्या देख, XUV400 क्या कलर था भाई उसका, कौन सा कलर है ना पता नहीं, कौन सा कलर है, मिस्टिक सा एक ऐसा I20 आता था डार्क में पहले ना, मिस्टिक ब्लू करके पहले आता था पहले, हां एलीट वाली में। आ यहां पे थोड़े शोरूम शुरू हो चुके हैं बाइक के, ये पूरा इंडस्ट्री ले रही है। हां ओखला है भाई, भाई वाले सही रखते हैं मुझे लग रहा है, मुझे अब ये नहीं ना टॉप एंड में सही में भाई। ब्लैक मारुति सुजुकी, ये क्या है, ऑथराइज सर्विस अरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्टॉस जी, भाई मुझे लग रहा है ये है किया की कार, ओ ये रही हमारी सेल्टॉस जी। एंड पार्क करते हैं यार, पार्किंग मिल नहीं रही भाई मुझे, एक स्क्रैच लाया है मेरे पैर। पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है। शाश्वत भाई ने स्पॉट करें कुछ स्क्रैचेस हमारी गाड़ी में, बिल्कुल भाई ये पहले हमने मना कर दिया था पेंट करने से, नहीं करना ये वाला, बट ये वाला कर दें, यहाँ पे स्क्रैच था बहुत बड़ा। रवि आप देख सकते हैं ये भी देख पूरा, ये भी है एक माइनर, ये आगे भी है। शाश्वत भाई स्पॉटर है हमारे भाई, ये देखिए रहा स्क्रैच, ये रहा भाई, कभी थी ये थे ही नहीं, पूरी साफ चमचमाती गाड़ी थी, चमचमाती गाड़ी थी। और एक आध और है जी वैगन लग चुकी है पीछे, कमेंट करके बताओ कौन सा वेरिएंट है पीछे से। अरे भाई किया जंप किया, वेटिंग फॉर आवर जो भी एग्जीक्यूटिव थे गाड़ी में, कुछ स्क्रैचेस तो अब भी हैं पता नहीं, लेट्स सी क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बने रहिए गाइस, बने रहिए।